चित्राल में लोगों ने अपनी जान दे के यहाँ पे सुकून छोड़ा है। और जब इस जगह के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रास्ता नहीं निकाल पाएगी तो क्या होगा यार, बहुत बुरा फील होता है। कूजा गुड साहब, निंजा 650 पे मैं आज अपना होम टाउन एक्सप्लोर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग, अल्लाह आप सबको सलामत रखें। दिस इज योर फ्रेंड द उमर। तो लद्दाख सीरीज के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, आज मैं आपको अपना एरिया दिखाता हूँ। कश्मीर तो हर किसी को पता है, लेकिन कश्मीर में एक छोटी सी जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है जिसका नाम है त्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं आप सबको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। एरिया बहुत बड़ा है त्राल का, तो कोशिश करूँगा कि कुछ प्लेसेस मैंने सेलेक्ट की हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। और बहुत खूबसूरत जगह है और त्राल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी, अब होगा इसका काम, बिकॉज हमें बाइक पे जाना है, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो साहब, लेट्स गो। हमारे पास है निंजा, तो इस पे मैं आपको दिखाऊंगा अपना एरिया, अपना एरिया। बिस्मिल्लाह। ओहो, चलो जी, ये है मेरी गलियां जहाँ से इतनी सड़क ख़राब है, पर कावासाकी का क्या कहना है, जहर है जहर। चलो जी, आराम से चलेंगे बिकॉज़ लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ मैं। मैं रहता हूँ सईमू एरिया में, इस जगह का, इस विलेज का नाम है, जो कि त्राल से 3 किलोमीटर दूर है। अखरोट का सीज़न, लोग अपने काम के साथ और हम चलेंगे अपने काम के साथ। तो ये जो रोड है ना, तब मैं 8th क्लास में पढ़ता था जब इसका काम स्टार्ट हुआ था, और तब से लेकर आज तक ये इनकम्प्लीट ही है। इस सड़क का कुछ करें मेहरबानी करके, हमारा खूबसूरत एरिया, हमारा खूबसूरत इलाका। त्राल में हमारे हुक्मरान हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो हरदमीर टू सईमू का रोड है, इसको जल्दी से ठीक करें प्लीज़। क्या शहर है यार, क्या बात भी है, एक सेकंड में ये 150 हो जाती है। यहाँ से होता है मेन त्राल स्टार्ट। आता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हाय ब्रो। वालेकुम सलाम। ठीक ब्रो, मेरा कैमरा चल रहा है, इसमें ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप अच्छे से? थैंक यू। और आगे कॉलेज से? This is our main town. So this is the main bus stand here. जी भाई साहब, मेरी स्कूलिंग की बात करेंगे तो आज यार कैसे चला रहे हो, वो हुई है यहाँ पे जामिया उलूम इस्लामिया हमदानिया हाई स्कूल त्राल। तो इसके पीछे जो है ना, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है जिसको लोग दिलना के नाम से जानते हैं। जाएंगे उधर, चलें बाइक साइड में रखें। तो हमारी निंजा रहेगी यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत जगह, और मेरी बहुत सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है, मस्जिद इसके सामने ही, और बहुत सी यादें जुड़ी हैं। यादें ऐसी है कि हम वहाँ पे, मेरी स्कूलिंग हुई है और 1 बजे हमें यहाँ पे, हम यहाँ पे नमाज पढ़ते थे, और जो भी स्टूडेंट नमाज नहीं पढ़ता था उसको इतनी धुलाई होती थी ना सुबह। आजकल तो वैसा सिस्टम नहीं है स्कूल्स में। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, इतना ठंडा पानी रहता है। दिस इज़ द स्विमिंग पूल ऑफ कश्मीर, वी कैन से, वी कैन से। छोटे बच्चे 1 बजे लंच होता था तो फटाफट से आ जाते थे और यहाँ पे हम नहाते थे। एक टाइम पे इन्होंने ये बंद किया था ऊपर से भी, लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज नहाना तो ज़रूरी है यहाँ पे, है ना? सो दिस इज़ माई हुलिया। शाबाश, कूद जाओ। आह गुड, अरे वाह। लेकिन सुबह तो मैं पक्का आ जाऊँगा यहाँ पे नहाने। चले जी, मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट प्लेस, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लंच करते थे, यहाँ पे हम खाना खाते थे, और यहाँ पे लाइन लगी रहती थी हमारी। तो फटाफट से खाना और उसके बाद स्कूल अगेन, लेट्स गो। मैंने पहले ही सोचा था कि ये वाली लोकेशन मैं आप सबसे पहले शेयर करूँ। नेक्स्ट लोकेशन, बिस्मिल्लाह। तो ये था दिलनाग, दिस इज़ द ब्यूटीफुल श्राइन ऑफ त्राल, बहुत खूबसूरत। दिल ने चाहा कि मैं आप सबको दिखाऊं। क्या था ज़रा पढ़ो, क्या नाम है? कावासाकी। कावासाकी, ओह गुड।
क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। मुझे दोगे इसमें से थोड़ा? दोगे सच में? कसम स्पीड 200। बाय। चले जी। मेरा दोस्त वहाँ पे वेट कर रहा है वारिस, वो भी साथ आएंगे तो मज़ा आएगा। जिस काम में दोस्त ना शामिल हो वो काम ही क्या है। यहाँ से हमें इस रास्ते से जाना है, दिस इज रिवर रोड। चलो जी, वारिस भाई का कहना कि मैं चलाऊँगा वहाँ तक, लेकिन आराम से चलना है। चलो भाई, वैसे कश्मीर की खासियत यही है कि ऐसी खूबसूरती आपको कश्मीर में हर जगह पे मिलेगी। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ त्राल। हाय हाय हाय। दिस इज हरिपल। सही, बाइक हम यहीं पे रखेंगे बिकॉज हमें इस रास्ते से जाना है। चलो जी भाई साहब, इसका काम थोड़ा रोकते हैं, अब इससे स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी, यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो जगह है ना वहाँ पे इसका रोड नहीं है, इसका रोड होना चाहिए। मैं आप सबको दिखाऊंगा कि हमें कहाँ से जाना है, कि जी कहाँ से चलना पड़ता है। आ जाए आ जाए। थैंक यू। साल भर ये पानी ऐसे ही रहता है, तो ये इसकी खासियत है। वाह भाई वाह। और जब इस जगह के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रास्ता नहीं निकाल पाएगी तो क्या होगा यार, बहुत बुरा फील होता है। किसी को मछलियां खरीदनी हो तो आ जाएं जल्दी से ले जाएं। ओके, हरिपल के लोगों को मेरा तहे दिल से सलाम। ये जो पानी है भाई साहब ये निकलता है उधर से, वेट आई विल शो यू, वहाँ से पानी निकलता है। ये है जी पहाड़ छोटा सा, और इसके नीचे से बिल्कुल ये पानी निकलता है, और बहुत ही साफ पानी। चले जी, हो गया इसका काम और निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो टू नेक्स्ट प्लेस। तो मेरी गुजारिश है सबसे, जो भी यहाँ पे आते हैं हरिपल में, साफ़ सुथरा तो रखते हैं आप, लेकिन ये जो कवर्स वगैरह प्लीज़ एंड प्लीज़ डस्टबिन का यूज़ किया करें, थैंक यू। चलो जी भाई साहब, निकलते हैं इस खूबसूरत जगह से, हरिपल त्राल। बिस्मिल्लाह। हम यहाँ से आए थे पहले, सो अब हम जाएंगे इस रास्ते से। यहाँ से जो रोड है ना, मेरा फेवरेट रोड है। ये मेरा फेवरेट रोड क्यों है, बिकॉज यहाँ से है ग्रीन टनल, वी कैन से एंड ज़िगज़ैग रोड। आराम से चलना है लेकिन मज़ा आता है यहाँ से। लव यू लव यू। रुको भाई, अखरोट का सीज़न है, सेब का सीज़न है, लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। गांव का माहौल, गांव की तहजीब, गांव का तरीका अलग ही है यार। भजन रेस लगाएं, हाँ शाबाश, आराम से। कितनी स्पीड है आपकी? 30-35। गुड गुड गुड। आप भी साइकिलिंग करें बिकॉज इससे इंसान बहुत फिट रहता है। गुड लक। निकलो आप गाड़ी अपनी, आ जाओ क्या निकालो गाड़ी। हाँ मैं आऊँ बोलते। इतराल में लोगों ने अपनी जान दे के यहाँ पे सुकून छोड़ा है, दैट इज़ द रीज़न। इतराल के लोग बहुत अच्छे हैं। चले जी नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ से भी ग्रीन टनल, यहाँ से भी ग्रीन टनल, ये है खासियत हमारे एरिया की। हाय क्या कहना है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड दिस इज द प्लेस, इसका नाम है शिकार का। बाइक हम यहाँ पे रखेंगे। चलो जी। आदाब, कैसे हैं आप? मैं आ गया था 2 साल पहले, मैंने ये पुल देखा था, ये इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था। दिल बहुत दुखी होता है जब देखते हैं क्या हालत बना दी है लोगों ने इसकी, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये है जी शिकारगा, परिंदों की आवाज़ सुने ज़रा, बहुत ही खूबसूरत जगह। और जब मैं आया था 2 साल पहले तो ये कितना खूबसूरत और कितना अच्छा था, लेकिन इतना बुरा लग रहा है मुझे अभी बिकॉज इसकी हालत ज़रा देखें आप। लोग यहाँ पे आते हैं संडे वीकेंड्स पे आते हैं लोग यहाँ पे, बहुत मज़ा करते हैं बिकॉज यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। आप भी आ जाएं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाय बाय शिकारगा। चले जी बीस्ट अगेन।
मुझे बहुत भूख लगी यार। यहाँ पे किसी ने सेकंड बेस रखी है बीच में। मेन टाउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल 2 किलोमीटर्स है। पहले आपको वहीं पे लेके चलते हैं। लेट्स गो। कॉलेज जाने से पहले आपको एक खूबसूरती देखनी पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। तो भाई साहब ये है हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं उनको मज़ा आता होगा ये नज़ारा देख के और बड़ा एंजॉय होता है। इंडिया थाउजेंड आई डोंट नो ऐसे क्यों कर रहा है ये। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलना होता यार। ये है जी पुराना मार्केट यथवानाजी प्रोन बाजार। किसी को भी त्राल एरिया में बच्चों के लिए कुछ भी लेना हो साइकिल वगैरह कुछ भी तो यहाँ भी आपको मिलेगा। हाँ पकड़ गया आज। ये है मालिक और मालिक। मेरा नाम लीजिए दौमर ने भेजा हमें आपको बहुत डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है पुराने बाजार में यथवानाजी प्रोन बाजार त्राल। आपको साइकिल चाहिए या टॉयज चाहिए बच्चों के लिए यहाँ पर आ सकते हैं मेरा नाम ले सकते हैं बहुत डिस्काउंट मिलेगा। चलो जी हाँ बाय ओके ओके अल्लाह हाफिज़। चलो जी जी हम पहुंच गए फिर से अपने एरिया में सीधे मिलते हैं अपने घर में। लेट्स गो। यहां से मैं कैमरा करता हूं ऑफ। ये था व्लॉग। बहुत सारे लोगों ने बोला था पहले से कि हमें अपना होम टाउन दिखाए कहां पे रहते हैं आप। तो अब और मैंने सोचा था कि मैं 50% एटलीस्ट अपना एरिया दिखाऊं अपना त्राल दिखाऊं लेकिन नहीं हो पाया। कुछ एरिया मैंने दिखाया मुझे लग रहा है 10% मैंने दिखाया। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे जहाँ पे मैं नहीं पहुँच सका। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिन विलेज से मैं गुजरा अगर वहाँ के लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करेंगे जितने भी त्राल के लोग हैं उनको ज़रा शेयर करें कि कौन सा एरिया रहा और कौन से एरिया पे मुझे जाना चाहिए वो मुझे ज़रा कमेंट में बताएं तो मैं जाऊँगा वहाँ पे और कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स जो है वो कंटेंट वाले हो। अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। घर में बैठे ज़्यादा ना सोचें काम करें अपना हार्ड वर्क करें। आप घर से निकलिए अपनी मेहनत करें अल्लाह पे छोड़ें और अल्लाह आप सबको सलामत रखें अच्छे से रखें। तो मुझसे कुछ गुस्ताखी हुई होगी इस वीडियो में तो उसके लिए माफ़ करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।